एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, जहां शहर में कोविड केयर सेंटर फिर से शुरू किए जाएंगे। फुंडहर के कोविड केयर सेंटर को कल से शुरू किया जाएगा और उसके बाद इंदौर स्टेडियम में अस्पताल शुरू किया जाएगा। 250 बेड के फुंडहर कोविड सेंटर में शुरुआत होगी, तो आवश्यकता होने पर बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन की जरूरत इनके लिए लगाए जा रहे हैं कंसंट्रेटर। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहन, आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ अब कोविड केयर सेंटर्स को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, ये आंकड़े बताते हैं कि अब इस स्थिति में छत्तीसगढ़ है कि उसको सुरक्षा के साथ साथ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि कोरोना का के बाद की जो स्थिति है उससे निपटा जा सके। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रतिबंध भी छत्तीसगढ़ लगा रहा है, साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो कि पहले कोविड के समय में कोविड काल में व्यवस्थाएँ की गई थी उसे फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि रायपुर में क्योंकि प्रतिदिन 340 से अधिक केसेस आ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति विस्फोटक हो रही है। और किसी छोटे से प्रदेश के लिए प्रतिदिन 1000 से अधिक के मरीजों का सामने आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य सुविधाओं पर अगर प्रतिदिन इसी तरीके से 1000 मरीज निकलते रहे तो निर्भर रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर सहित जो जिन शहरों में 100 से अधिक केसेस आ रहे हैं वहां पर कोविड केयर सेंटरों को फिर से संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी कड़ी में हम देखेंगे कि राजधानी रायपुर में 250 बेड का एक कोविड केयर सेंटर जो है फिर से बनाया जा रहा है, जो कि कल से शुरू होगा। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम में भी इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। तो क्योंकि अब आने वाले दिनों में ये जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ने वाली है, और अगर 300 से 400 500 की संख्या प्रतिदिन आती है तो करीब एक सप्ताह में ही इतने ज़्यादा मरीज हो जाएंगे कि जिनकी देखभाल के लिए व्यवस्थाओं की कमी महसूस की जाएगी। इसीलिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है और कल से कोविड केयर सेंटर फिर से हमें रायपुर में देखने को मिलेंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है उसको ध्यान में रखते हुए राजधानी रायपुर में पहली प्राथमिकता के साथ कोविड केयर सेंटरों को शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं सरकार की चिंताएं भी बढ़ा रहे हैं, और सुरक्षा के हर उपाय इस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। इसीलिए कल से फिर से कोविड केयर सेंटर्स को राजधानी में शुरू किया जाएगा। धन्यवाद आपका मोहन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इन कोविड केयर सेंटर्स पर आपको बता दें 250 बेड की बिस्तर लगाए जाएंगे, जरूरत पड़ेगी मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बिस्तर की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही ऑक्सीजन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।